You and this is Desi Gabru. And this is Desi Gabri. तो भाई welcome हो गया तुम लोगों को और तुम लोगों ने बोला था भाई जल्दी जल्दी से इतने सारे सवाल तुम लोगों ने कर लिए हैं। तुम लोग बोले थे भाई तुम बताओ क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या करना है और इतने सारे सवाल। अरे भाई क्या पूछ रहे हो, इतने सवाल पूछ रहे हो। तो भाई हमने सोचा चलो यार आज Q&A हो जाए। Let's do a Q&A today. So we'll tell you about ourselves के हम लोग कौन है, कहाँ से है, कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतने सवाल किए हैं कि दिलफूजा एक काम करते हैं तुम आंसर करोगे सारे सवालों का। आई विल, बट डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना, मेरे मी नहीं झूठ बोल रहे, नहीं है, नेवर है। सो गाइस झूठ नहीं बोलेगी। तो अभी एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे इस तरीके से कि तुम लोगों को मजा आए क्वेश्चन का। और क्वेश्चन का जो मजा आएगा वो किस तरह आएगा कि क्वेश्चन देंगे दिलफूजा को, क्वेश्चन करेगी दिलफूजा जो तुम लोगों ने पूछे और उनका आंसर करूंगा मैं। सो दिलफूजा क्वेश्चन, यू विल बी द वन हु विल आस्क द क्वेश्चन। या आई विल रीड द क्वेश्चंस। ओके दिलफूजा रैंडमाइजर करके ना कोई भी क्वेश्चन उठाओ और उसके बाद पूछो। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, एनी कंट्री मतलब के किसी का भी। मेरा फेवरेट एक्टर जो है यार आमिर खान इज माय फेवरेट एक्टर। आई लव आमिर खान। ओके अच्छा है। एंड आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरा है शाहरुख खान। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी गबरू। शाहरुख खान इज़ द बेस्ट नंबर वन। तू ना कर या ना कर। तू हाँ कर ये ना कर तो सुना था मैंने, तू ना कर तो ना कर। It's old, so I don't remember. Yes, guys. Okay, guys. So let's move to the next question. देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। ये क्या पौधल है, बादल है? What kind of question is this? ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्या पौधे हैं बोतल में? ये क्या पादी है बोतल में? ये क्या पादी है बोतल में? मक्खी। ये क्या पा दिया बोतल में? मैं तो माँ प्यो का लाडला था। क्या? मैं तो माँ प्यो का लाडला था। मैं बोला क्या पता काका। मैं तो माँ प्यो का लाडला था। मैं तो माँ प्यो तो मादला काका का लाडला था। ये क्या पा दिया बोतल में? ये क्या पा दिया बोतल में? मैं क्या पदले के ला कला था। मैं तो माँ प्यो का लाडला था। मैं ते पादियों के लाद लाता लाना थे। ये किसने भेजा भाई? तुम लोग भी क्या 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 क्वेश्चन भेज रहे थे। Let's go and let's move to the next question. Okay, please tell me Dakki Bhai number. आप लोग नोट कर लें प्लीज, जितने भी लोग इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं। 009 है, 990 है, 0990 है। हाँ ये नंबर है डक्की का, प्लीज इस पे जल्दी से व्हाट्सएप करें। But if I know his number, I swear he give you him, but I don't know him. तो आप लोगों ने नंबर इसने दे दिया, जल्दी से इस पे कॉल करें। मैं नहीं स्पीक है, बाय फोन है। So guys, let's move to the next question. भाभी आपको कहाँ मिली first time? भाभी आपको कहाँ मिली first time? मुझे जी रोड पे। ये क्या कर रहा है? Yeah, he's asking how you met दिलफूजा first time. छोटी सी बहुत सारे सवाल आते हैं। एक्चुअली दिलफूजा को मिला था, एक पार्टी थी हमारी, पार्टी के अंदर अपनी दोस्त के साथ आई थी और दोस्त के साथ जैसे आई तो मैंने उसको पहली बार देखा और मैंने कहा यार अपने सारे दोस्तों को ये भाई की बच्ची है।
इस पे कोई नजर नहीं रखेगा। वो होता नहीं जो दूर बैठे हुए कहते हैं वो तेरी वो तेरी वो तेरी, तो मैंने सबको बोल दिया ये मेरी। तो उसके बाद हम लोगों ने यार मैंने इसको बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो पहले दिन मैं आया इसके आगे, ये वो खाना पीना ये वो, उसको मैसेजिंग करना, फिर मैंने इसका नंबर लिया, इसको मैसेजिंग करना शुरू किया। ये भाव ही नहीं डालती थी भाई, इसने भाव, मैंने इसको मैसेज करने ये करना वो करना, ओके यस नो, ओके यस नो, ठीक है आई टेक केयर यू टेक केयर। भाई मैंने 3-4 महीने रगड़े लगाए, वही जो हम तुम्हें पता है नकली आशिक पाकिस्तानी कर सकते हैं, काम हो ना हो पीछा नहीं छोड़ना। तो भाई ने भाई फुल टाइम गेम ऑन करके रखी और उसके बाद हम काफी मिलते रहे, अरसा हम लोग साथ दिया, फिर उसने भी मेरा बहुत साथ दिया है, उसने देखा गया यार वाकई सिंसियर है, ठीक है और खूबसूरत भी है। फिर हम लोगों ने काफी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक दूसरे को जाना और मैसेजिंग पे काफी बात होती रही, और उसके बाद देन आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर हम लोग एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ और उसके बाद हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट मैरिड। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गाड़ी पे कैसे आती है, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज माई वाइफ, वाइफ है, वाइफ है, और सबसे ज्यादा नो हाँ ओके रिंग है, रिंग है, रिंग है, अच्छा वाइफ है, रिंग दिखा रही। आपका पाकिस्तान है फेवरेट यूट्यूबर कौन है? आपका फेवरेट पाकिस्तानी यूट्यूबर कौन है? तो यार देखो पाकिस्तान में एक्चुअली मैं यूट्यूबर्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं किसी का भी इतना कोई, एक तो तरह फैन हो जाना किसी का वो अलग बात है, लेकिन मेरा फेवरेट जो है ऑब्वियसली जो मेरे क्लोज भी है दोस्त भी है मेरे डकी है जे है, क्योंकि इतनी अट्रैक्शन मेरी और किससे हुई नहीं है, पर्सनली भी मैं उनको जानता हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके कंटेंट भी अच्छा है, उसमें आज़ाद चाय वाला भी है बहुत अच्छा है, इज मेकिंग गुड कंटेंट फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, सो ही इज आल्सो गुड। हाँ भाई आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा काम दकी पैनी यकी है। यार ये तो चलो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? आप लोग पाकिस्तान कब आ रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, हैं हैं हम जरूर अनाउंस करेंगे, उसके लिए तुम लोग जितना है इंस्टाग्राम कब है, कब बता रहा हूँ मैं, विद इन लाइक नेक्स्ट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्राई करेंगे आने का, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे और पाकिस्तान में आगे धूम मचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो हम लोग आएंगे जरूर। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। देसी गाबरो आप कौन सा बिजनेस करते हैं और दिलफूज बाबी क्या घर के काम करती है? यक ऑफिस वर्क what you guys do and Dilfuza Bhabhi is sitting at home and home doing homework or she is going for a work outside. So guys actually बहुत सारे लोगों को अभी ये भी question है कि आप लोग क्या करते हो। So guys तो मैं जो है दुबई में मेरी एक interior design की company है and I am his boss है। ये मेरी boss है और मैं इस company का owner हूँ। पैसे भेजो boss है, पैसे 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 है and count 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 है। और उसके बाद YouTube तो actually हम लोगों का नहीं था but we started up and तुम लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमें बस अब कुछ भी होता है हम लोग व्लॉग्स डाल देते ताकि तुम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और हमारी लाइफ जो कैमरे के उस साइड पर है ना वो ही कैमरे के फ्रंट पे है। तुम लोग अगर मुझे रियल लाइफ में भी मिलोगे, हम लोगों को मिलोगे तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैमरे की साइड पे कुछ है, बहुत सारे लोग हैं फेक होते हैं बट हम लोग जो ऐसे हैं वैसे ही हैं, लाइफ में चिल आउट हैं और बिल्कुल ठीक है। ओके तो गाइस अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं है। आपका फेवरेट मूवी कौन से? फेवरेट मूवी, ही इज फेवरेट मूवी, आई नो मूवी 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 आई नो है द वन हु इज गोविंदा है। यस माय फेवरेट मूवी इज स्वर्ग, यार स्वर्ग इज माय फेवरेट मूवी, मुझे जो है स्वर्ग बहुत अच्छी लगती है। तुम बिलीव नहीं करोगे मैंने उस स्वर्ग मूवी गोविंदा की कम से कम भी नहीं तो 1000 टाइम देखी है, बहुत बहुत। उसके मुझे डायलॉग भी याद है, हां हां मैं मुजरिम हूं अर्जुन की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से निकालते हैं, इंसानियत के नाम पे बंदू मैं धब्बा हूं, मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो,
लेकिन मेरी एक बात याद रख लेना, इस दुनिया में कोई इंसान गलत पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई तबाइफ अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को तो कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सबक सीखा और एक ही सबक पढ़ा है कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है। ये क्या है, क्या है? क्लब्स है। I think this is the trailer of the movie. I love this movie, guys. मुझे अभी तक उसका एक-एक डायलॉग जो वो याद है, रटा हुआ है। Okay, what is your favorite movie? Tom and Jerry है। भाई ये क्या? You are Tom है। I am Jerry है, you are Tom है। You are Tom है। अच्छा मजे की बात, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये वाकई घर पे बैठ के कार्टून देखती रहती है। मुझे बताओ किसी को ऐसी पागल बेगम मिली है? लोगों की बेगमें कितनी समझदार होती है, मेरी देख लो, ये देख। कार्टून है। यार अच्छा लोगों के घर जाओ ना तो लोगों की बेगम, आप आगे घर मैं आपकी जूती उतार देती हूँ, आप आगे घर आपने कुछ खाया? अल्लाह ऐसे ना कहे ना, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये ऐसे नहीं है, अरे खाना डालो जाके अपना, तुम्हें कुछ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सारे पासवर्ड दे के जाओ अपने अकाउंट के। ऐसा यार कम ऑन यार, बट शी आई लव हर सो मच। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फाइंड द इंग्लिश क्वेश्चन। हां बॉबी, व्हाट यू फील व्हेन यू मीट जे? जे written here actually fool. So I'm like teeth you need to put on the video, peep to my abusers. Okay, what I feel when I meet Bobby, JP peep. Okay, me I feel to slap him to my face hai, but chapate hai. और काफी उसने सपोर्ट भी किया, एंड ही इज ऑलवेज विद मी एंड वी आर अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह। और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट आई कैन नॉट टेल यू नो, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, सीक्रेट है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। एंड बेबी इज कमिंग। When baby is coming? When Allah knows how we know. Oh, not that baby. Ah. Baby for me, next baby. Ah. In his dream is not coming baby. New hai. वो पूछे नई बच्ची कब आएगी? ये क्या चूतिया पा? नहीं क्वेश्चन है। नहीं नहीं वो कह रहे नई बच्ची गबरू भाई कब आएगी? क्या? नई बच्ची। In English, नई बच्ची। नई बच्ची कब आएगी आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ के बच्ची बच्ची बेबी लाइक दिस बेबी नो बच्ची 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 लाइक नहीं आएगी नहीं आएगी पर मारोगे क्या? कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? गिव दिस क्वेश्चन वेयर यू सी नो नोबडी बेटा तुझे डीएम करके गालियां पड़ेंगी अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछा तो। सो गाइस थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बच्ची नहीं आएगी, थैंक यू सो मच, अरे भाई नहीं आएगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लवली आंसर क्वेश्चन, जितने भी हम लोग कोशिश कर सकते थे दे सके, बहुत सारे क्वेश्चन थे मैं नहीं आंसर कर पा रहा। थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज गो लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और जल्दी से जाके शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर बाय।